ये अरवी है, ये इसको धूप लग जाएगी, इतने को मैं कपड़े डाल देती हूँ अपने मशीन में। ये वाले सारे कवर, रजाइयों के कवर निकाल के इसको वॉश कर लेती हूँ, हमारे पानी की भी कमी रहती है, पानी कम ही आता है। गाइस ये मैंने रजाई के कवर निकाल दिए, वे ये रजाइयाँ रखी हुई और ये रजाई के कवर है, इसको मैं धो लेती हूँ मशीन में, हम मशीन लगा लेती हूँ। ये यहाँ से पाइप लगा दूंगी मैं इसमें, और ये डाल दिए इसमें मैंने रजाई के कवर धोने के लिए। ये वो वाली अरबी है जो मैंने काट के धूप में रखी थी धोकर, और प्याज, ये टमाटर, ये डाल दिया इसमें मैंने सरसों का तेल, वो तो मैं इसमें डाल दूंगी। बस इसको ऐसे हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं कुकर में इसमें तड़का लगा दूंगी अरबी को। ये इसमें जो तेल बचा था मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैं जीरा डाल दूंगी इसमें, ये डाल दिया प्याज, पूरे मसालेदानी में शीट हाथ जल गया। ये बड़े वाला मेट भी डाल दिया और ये इस साइड को भी रखा हुआ, और इसको भी धो लेती हूँ अब मैं। सब्जी बन रही है, इधर कपड़े धुल रहे हैं, तीन तीन काम साथ में कर रही हूँ। ये बनाई है मैंने अरबी की सब्जी, और आपको देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताना जी। और दूध इस पे रख दिया है, बस थोड़ी सी कमी रहती है, नज़र हटती है, दुर्गंध घटती है, कहीं बाहर ना निकल जाए दूध, क्योंकि मैं बार बार कपड़े भी धो रही हूँ और मशीन के पास भी जा रही हूँ। और इसमें मैंने एक आधी कटोरी मतलब चावल की बनाई है। इसका अचार डालना पड़ेगा, ये नहीं तो खराब हो जाएंगे बीच बीच में, तो ये देखो ऐसे भी हो गए, तो मैं सोच रही हूँ अचार डाल दूँगी। और यहाँ कर रही हूँ मैं साफ सफाई। नमक, उसमें नमक दानी में डाल दूंगी, और ये अमरूद है अभी निकाले थे मैंने, ये ऐसे कच्चे रख दिए थे, ये हमारे को दिए थे किसी ने, ऐसे रख दिए थे फ्रिज में, तो मैंने ये अभी भी निकालिए। और ये नमक दिवाली को लाए थे हम, और ये मक्की का आटा है, और ये दाल कर लेती हूँ उसकी साफ सफाइयाँ। ये फ्रिज ना हमारा नहीं है, ये मकान मालकों का ही है, और इसमें बहुत सादी हवा, हमारा मतलब जो यहाँ रहते होंगे ना, उन्होंने रेंट नहीं दिया होगा पहले, उन्हीं का ये है बहुत पुराना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ लेके गए हुए यहाँ, इसमें से डब्बे डुब्बे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। और प्याज की हरी पत्तिया,
इस कमरे की साफ सफाई करती हूँ कि उस कमरे की थक जाते हैं। और देखो अभी कितना कूड़ा है इसमें। सब्जी के साथ मिल गई थी इतनी सारी मिर्चें, काफ़ी सारी मिर्चें है ये, इसमें भी है, इसमें भी है, थैली में भी है। तो मैं सोच रही हूँ ना इसका ना अचार डाल लूँ। और इसको हरा धनिया को मैं डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। एक डब्बा ये वाला फुल मिर्च का है, सब्जी के साथ मिल गया था। और अब ये रख देती हूँ मैं फ्रिज में। मिर्ची और धनिया भी रख दिया मैंने। ये अमरूद पकने के लिए रखे हुए ट्रे है, ये बहुत ही अच्छी ट्रे है और बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को, जिसमें अमरूद रखे हुए। और यहाँ की भी कर दी मैंने साफ़ सफाई। और ये तो अब मैंने मशीन रखी हुई अपनी दूसरी वाली सूखने के लिए, मतलब इसमें तेल डाला हुआ, ये थोड़ी ख़राब हो गई थी, जाम हो गई थी, तो ठीक करने के लिए यहीं से इसमें धूप आती है इस साइड से। और ये मेरा मनी प्लांट है, इसमें मैंने पानी डाल दिया हुआ। और ये अचार के बॉक्स, इसमें अखबार रखा हुआ ताकि इसमें जो तेल है वो नीचे ना जाए, और वहाँ से पानी आ गया इसमें। और ये है मेरे अचार का जो सामान बचा हुआ, मैं सोच रही हूँ लहसुन का अचार भी डाल ही देती हूँ। और इसमें गाजर मैंने यहाँ पे झाड़ू कर दी साफ सफाई। और इसमें रखे हैं मैंने गर्म कपड़े, ये वाले कोटिया काटिया अंदर वाले गर्म कपड़े। और होगी यहाँ की सफाई। और ये इसके जूते हैं, चप्पल डालने होगी चप्पल, जूते डालने होगी जूते। सारे कपड़े धो दिए और अभी और भी डाले हुए धोने के लिए। ये वाले रजाई के जो कवर होते हैं वे सूख गए, और ये भी सूख गया है मैट, ये भी मैंने बिछा दिया है। और इतने सारे कपड़े भी धो दिए। और ये राजीव की जैकेट वूलन वाली, और ये वाली भी, ये इसके कपड़े, मतलब सारे इतने सारे कपड़े धो दिए सारे ही। दूध रात का बचा हुआ था, इसमें मैं बनाऊंगी चाय। तीन बज चुके हैं, थकान सुई भी बहुत ज़्यादा आजकल मेरे, दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा कमर में हुई दर्द। ये डाल दिया मैंने इसमें अदरक, ये डाल दूंगी मैं इसमें शक्कर, क्योंकि मैं शक्कर वाली चाय पीती हूँ, बहुत थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा। जब डीप क्लीन करते हैं तो ऐसे ही होता है।
ये बन गई है चाय। तो फ्रेंड्स बताना कैसी बनी चाय। अब यहाँ धूप में बैठकर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर डालती हूँ रजाई में कवर, फिर आटा भी गूंदना है क्योंकि जब स्कूल से आता है राजीव। तो अचार हो चुके हैं और मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर रोटी भी बनानी है, उसके लिए रोटी नहीं बची हुई, और नहीं तो वो बोलेगा कि मम्मा क्या किया सारा दिन। मैं आटा गूंद लेती हूँ। ऐसे रखते हैं हम आटा, बर्तन नहीं है बड़ा सारा कुछ भी मेरे पास आटा रखने के लिए।